यहाँ से आपके साथ इतने व्लॉग लेके। फ्रेंड्स मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि यार इतने दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, क्यों मैं नाम एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स आप लोग सोचोगे कि मैंने चैनल छोड़ दिया, नहीं फ्रेंड्स, थोड़े दिन अगर लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं कहीं जा रही। तो आप लोग सोचोगे इतने दिनों बाद क्यों आवरिश मिल रही है, आवरिश ऐसी न्यू जगह पे क्यों लग रही है बैठी हुई है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ये मिलता जुलता लग ही रहा होगा। तो ये सब क्या हुआ है और इन दिनों में क्या हुआ है ये मैं एक डिटेल में बताऊँगी। फ्रेंड्स डिटेल ये थी कि हमारे घर में हो रहा था पेंट, और ये देखें ये डोर है, डोर को पेंट हो चुका है, देखें कितना न्यू और फ्रेश लग रहा है। ये है पेंट की बाल्टी वगैरह, और ये है पेंटर अंकल पेंट में कुछ मिला रहे हैं, उसको मिक्स करके लगा रहे हैं। और ये हमारा किचन है, किचन को भी अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे से पेंट करे थे। ये जो हमारी दीवार थी वो थोड़ी सी डैमेज थी, तो अंकल उसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स उसके बाद हमें घर चेंज करना पड़ा, क्यों करना पड़ा है इसकी एक स्टोरी अलग है, वो हमने आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊंगी। तो ये एक हमने घर देखा था, ये हमें बहुत ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, इसका किचन देखे कितना डर्टी है, तो हमें इतना खास पसंद नहीं था। एनीवेज उसके बाद हमने एक और हाउस देखा, उसकी ये कैबिन्स है, न्यू कैबिन्स थी, और इस घर में काम हो रहा था, मतलब ये न्यू बन रहा था, तो इसका काम बहुत ज़्यादा रहता था, तो इसलिए हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और इसकी गली देखें कितनी ग्रीनरी है, इसमें ग्रीनरी वाह अमेजिंग थी। तो उसके बाद हमने ये वाला घर देखा, और ये वाला घर हमने ओके किया, और मुझे भी ये वाला घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका ये डोर है, मेन डोर है, और उसके साइड पे दोनों साइड्स पे उससे भी ज़्यादा ग्रीनरी थी। उन दिनों मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो इसलिए उनको ड्रिप्स लगी। जिस दिन सामान लोड आ रहा था ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, आप देख ही सकते हैं रोड्स पे कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। तो जब बारिश रुकी तभी हमने अपना सामान लोड किया था। फ्रेंड्स आज मेरी हालत कोई नहीं है, मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, पर फिर भी मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है। और ये देखो पापा आए हुए हैं टेरेस पे, और मैं भी आई हुई हूँ। फ्रेंड्स ये क्या है, पूछो क्या है। ये है हमारा सामान जो हमारे इस छोटू मोटू से घर में था। और यार एक बात बताऊं सच्ची बता दूं, ठीक है, ये हमारा स्टोर रूम था जो भी फिलहाल कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल ब्लैंक है ना, ब्लैंक मेरे चारों तरफ। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सामान रह गया, यहाँ पे भी हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, ये जा रहा हूँ, पूरी चीज़ें नहीं दिखा पा रही। आई थिंक अभी न्यू घर जाएंगे, और मैं फर्स्ट टाइम देखने लगी हूँ न्यू घर। ये सामान नीचे जा रहा है लोड होने के लिए। जिस दिन हमने सामान लोड किया था ना, उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए मामा ने हमारे लिए KFC से शॉर्मा और बर्गर ऑर्डर किया था। तो शॉर्मा मेरे लिए था और इश्तलफा के लिए बर्गर था, और दोनों चीज़ें ही यम थी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स मेरे व्लॉग लेट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पापा का कंप्यूटर ठीक नहीं हो रहा था। जैसे ही हम अपने घर शिफ्ट हुए तो साथ ही साथ मेरे सामने वाले घर होंगी शादी होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर का विजिट करवानी, तो साथ ही साथ उनके डेकोरेशन भी दिखा दूँ। तो चलो दिखाते हैं, इश्तलफा है और ये अरहम है, ये तंगरा है, तो यहाँ पे सारी डेकोरेशन हो रही। ओके फ्रेंड्स ये देखो ये सारा है सेटअप। तो यहाँ पे अभी मेहंदी होनी है, ओके मेहंदी आज फंक्शन है, ऊपर दिखाओ कितना सारा ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटी। और ये देखो यहाँ पे सारे टेंट लगे हुए हैं, और कितना प्यारा स्टेज है। आप इसी नहीं काटे ने। हाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक भी नहीं करते। लाइक बोल दो, लाइक ओके
ओके आप लोगों को डांट रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, मतलब फ्रेंड्स रात हो गई थी तो उनके उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया था और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था उनका घर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने डेकोरेट किया था रात को, आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्नीचर है और शिफ्टिंग के दौरान उसका कुछ पेंट खराब हो गया था तो इसलिए पापा ने उसको पेंट करवा दिया और आप देख लें किस तरह से पेंट हो रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए अंकल ने पेंट करके इधर रखा हुआ है फर्नीचर और फ्रेंड्स यहाँ अंकल कर रहे हैं डेकोरेशन, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें इसकी फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम नया जैसे अभी शोरूम से नहीं लाया वैसा लग रहा, अमेजिंग यार अमेजिंग। और मामा का बेड देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, और ऊपर मैंने लाइट्स भी लगा दी थी चढ़ के क्योंकि थोड़ा सा तो प्यारा लगना चाहिए ना एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्यों खुश हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स मेरे मामू फाज हैं, आप लोग तो उनको जानते ही हैं, आज मैं एक वीडियो में मैंने आप लोगों को उनसे मिलवाया भी था तो उनके आज हुई है बेटी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारी कज़न आई है और वो है बेटी है तो हमारी बहन हुई और कज़न भी हुई तो मज़ा आएगा और हम जा रहे हैं उनके पास तो चलो चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम सो एक्साइटेड टू दे एंड आपको पता है और हम भी बहुत ज़्यादा खुश है, बार बार कही जा रहा है आयुष बेबी है आयुष बेबी है, मैंने कहा हाँ बेबी है तो अब हम चलेंगे उनके पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामू के घर बेटी हुई है तो इसलिए हम उसके वेलकम के लिए उसका रूम थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहे हैं। सी मिला ये देखिए हमने नीचे कारपेट पे भी फ्लावर्स बिखेरे हैं और उनके साथ साथ ड्रेसिंग टेबल पे साइड टेबल पे भी हर जगह फ्लावर्स कर दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने वेलकम लिखा हुआ है और साथ साथ हमने बलून्स भी लगाए हुए हैं और मामी को देख के बहुत अच्छा लगा था। और फ्रेंड्स एक बात बता देती हूँ हमने जब इसको साफ करने की बारी आई थी ना तो कोई भी नहीं था तैयार डेकोरेशन के लिए, तो सब लोग तैयार थे लेकिन इनको उठाने के लिए कोई भी नहीं था तैयार। हेलो गाइस फ्रेंड्स यहाँ पे मामा पापा मामू की बेटी के लिए टॉप्स लेने गए थे और ये देखें कितने प्यारे टॉप्स हैं, आप लोग भी एक दफा माशाल्लाह कर दीजिएगा, मैं भी कह ही रही हूँ। फ्रेंड्स मैं अविश्वास आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेके, फ्रेंड्स आज है 12 रबीउल अव्वल और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने सोचा कि मैं कोई भी मोमेंट मिस ना करूँ तो इसलिए मैंने 12 रबीउल अव्वल का भी व्लॉग बना लिया। फ्रेंड्स आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि पापा का सिस्टम खराब है तो इसलिए कुछ दिनों बाद से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। तो अभी फिलहाल मेरे पीछे देखिए कितनी अच्छी ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को इधर से भी दिखा देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाज़ार लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यार इतना ज़्यादा रश होता तो दिखा कहाँ पाऊँगी, इसलिए हम थोड़े थोड़े शॉर्ट्स हैं तो चले चलते हैं। और उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माय चैनल आवरिश तलवा को सब्सक्राइब कीजिए, तो चले लेट्स गो। मुस्तफा है लाजवाब, मुस्तफा है लाजवाब, मुस्तफा है लाजवाब, भेजिए उन पर दुरूद, भेजिए लाखों सलाम, मुस्तफा है लाजवाब, मुस्तफा है लाजवाब। पैगाम में है मीम पैगंबर में मीम है, मकदूर में है मीम मुकद्दर में मीम है, मफतूह में है मीम मुजफ्फर में मीम है, उल्जुम में मीम और समुंदर में मीम है मीम का जहूर अलिफ लाम मीम में, क्या
क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में। शर में मीम और कयामत में मीम है, ये मीम जलवागर है समी ओ अलीम में, क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में। माबूद में है जो मीम तो माबूद में भी मीम, हामिद में मीम हम्द में महमूद में भी मीम, मशहद में है जो मीम तो मशहूद में भी मीम, नगमा सरा है मीम कलामो कलीम में, क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में। शाम को नाना उस गए थे और नानों ने स्पेशल स्पेशल डिशेस बना के रखी थी और फ्रेंड्स और साथ ही साथ मामी मामी के मामा पापा भी आए हुए थे, सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। मामा मामू की बेटी फातिमा के लिए कुछ ड्रेसेस लाई थी, आप देख लें कितने कितने प्यारे ड्रेसेस हैं माशाल्लाह। ये मामू ने हमारी कजन का नाम लिखवाया फातिमा तुज़ाहरा। मामू फातिमा के लिए केक लाए थे और बहुत ज्यादा यम्मी था, हम सब ने मिलके खाया। फ्रेंड्स केक दिखने में जितना यम्मी था ना उससे ज्यादा खाने में बहुत ज्यादा यम्मी था। फ्रेंड्स हमारे घर के पास डीमार्ट मार्केट है, तो चले अक्सर हम इधर आते रहते हैं, रोज रात को आते हैं, कोई चीज भी चाहिए हो तो भी ले लेते हैं। तो आज हम आए हैं तो चले आप लोगों को दिखा दियो हम लेते क्या इधर से। ये यहाँ पे पापा लेने लगे हैं वन कॉक एंड पापा। ये मेरा फेवरेट है दोनों चीज़ें। और इस तरफा ने लिया है जूस और मिल्क, और अरहम ने लिया है जूस और ओरियो। अरहम कैसा लग रहा है? ठीक है। फ्रेंड्स आज सर्दियों की पहली बारिश थी तो मामा ने हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया, और वो स्पेशल क्या है चीज़ें काफ़ी सारी और मुझे बहुत ही यम्मी लग रही हैं देखने में। अब देखते हैं टेस्ट करके भी। और बट पहले से सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड माय चैनल आशीष तल्फा को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे मामा ने हमारे लिए हलवा पूड़ी बनाई थी, और हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा यम्मी थी। मामा ने फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा यम्मी थी, अमेजिंग। फ्रेंड्स मामा ने अरहम के लिए ब्रेड डन्ना बनाया था क्योंकि अरहम हलवा पूड़ी नहीं खा रहा था। फ्रेंड्स रात को हम बाहर गए तो हमने बाहर से चिकन फ्राइड राइस और साथ साथ चिकन चाउमीन खाया था, और वो बहुत ज़्यादा यम्मी थे दोनों ही चीज़ें।
रही हूँ चिकन चाउमीन और चिकन फ्राइड राइस कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमने ओपन एरिया में बैठ के खाया, एटमॉस्फेयर बहुत मज़े का था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।